अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। गाइस, दो या दो से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का एक साथ नज़्म व ज़ब्त, हम आहंगी और तयशुदा अंदाज में एक साथ सफ़र करना और पैंतराबाजी करना फॉर्मेशन फ्लाइंग कहलाता है। और टाइट फॉर्मेशन में ये त्यारे एक दूसरे के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि इनका दरमियानी फासला 3 फीट से भी कम रह जाता है और ऐसा लगता है कि त्यारे एक दूसरे के साथ जुड़ गए हों। ये करतब अक्सर एयर शो में भी देखा जा सकता है। ये करतब इंतहाई ख़तरनाक होता है, जिसमें एक नहीं कई त्यारे तबाह हो सकते हैं। फिर आती है डायमंड फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में 4 या 4 से ज़्यादा त्यारे हिस्सा ले सकते हैं और ये ग्रुप मिलकर डायमंड या काइट की शेप में उड़ते हैं और ये इंतहाई डिफ़िकल्ट और ख़तरनाक फॉर्मेशन होती है। इस फॉर्मेशन में जितने ज़्यादा त्यारे होंगे, ख़तरा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और पाकिस्तान के शाहीनों ने डायमंड शेप में टाइट फॉर्मेशन रखते हुए 16 त्यारे उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज तक कोई ना तोड़ सका। जबकि इसी फॉर्मेशन में त्यारे उड़ाते हुए अमेरिका एक वक्त में अपने 4 त्यारे तबाह करवा चुका है। गाइस, 2 फरवरी 1958 को प्रोमिनेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स पाकिस्तान के लड़ाका पायलट्स का शानदार एयर शो देखने के लिए कराची के मसरूर एयरबेस पर जमा हुए। इस एयर शो में अफ़गानिस्तान के किंग ज़ाहिर शाह, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, ईरान, इराक और तुर्की के चीफ कमांडर, मुख्तलिफ मुमालिक के सफ़ीर, पाकिस्तानी वफाकी काबीना के वज़रा और सिविल और फौजी इशराफिया और दीगर काबिले ज़िक्र अफराद शामिल थे। इसके अलावा इस एयर शो को कवरेज देने के लिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी शामिल था। मजमूई तौर पर इस एयर शो में 30,000 से ज़्यादा अफराद शरीक थे। दिन के तकरीबन 9:30 बजे पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे दुनिया की किसी भी एयरफोर्स ने इससे पहले कभी नहीं किया था और ये रिकॉर्ड आज तक दुनिया की कोई एयरफोर्स ना तोड़ सकी। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने 16 F-86 सैबर्स त्यारों को डायमंड फॉर्मेशन लूप में उड़ाकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। कमाल ये था कि बजाय एक एक त्यारे को अलग अलग उल्टा करके फिर सीधा करने के, पूरी की पूरी फॉर्मेशन अपनी तरतीब बदले बगैर उल्टी होकर और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साथ सीधी हुई और आगे निकल गई और कोई एक त्यारा भी अपनी जगह से इधर उधर ना हुआ। इंग्लैंड की त्यारा साज फैक्ट्रियों के 2 मशहूर मैगज़ीन फ्लाइट इंटरनेशनल और दी एरोप्लेन के नामा निगार इस एयर शो में मौजूद थे और ये नामा निगार खुद भी मंझे हुए हवाबाज थे। ये करतब देखकर उनकी आंखें और मुंह हैरत से खुल गए थे। उन्होंने कहा था कि ये करतब इंग्लैंड में दिखाया जा चुका है, लेकिन 16 नहीं, सिर्फ 4 त्यारों से। रूसी और अमेरिकी नुमाइंदों ने भी ऐसे ही बेसाख्ता तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि हमारे हवाबाज इतनी जुरत नहीं कर सकते। गाइस, इस डायमंड शेप फॉर्मेशन को पायलट जफर मसूद लीड कर रहे थे। पायलट जफर मसूद और उनकी टीम इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हफ्तों मेहनत करती रही। एयर चीफ मार्शल जमाल खान, जो कि इस फॉर्मेशन का हिस्सा थे, 13 अक्टूबर 2003 के डॉन अखबार में अपने आर्टिकल मिटी मसूद फोल्ड्स हिज विंग्स में लिखते हैं कि विंग कमांडर मसूद और उनकी टीम ने 16 साइबर जेट्स से जो आलमी रिकॉर्ड बनाया है, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की वेल रिकॉर्डेड एयर आर्म्स में शामिल कर दिया है। दोस्तों, ब्रिटिश एविएशन मैगज़ीन दी एरोप्लेन ने 14 फरवरी 1958 को अपने मजमून में लिखा कि विंग कमांडर मसूद और उनकी टीम ने 5,000 फिट की बुलंदी पर डायमंड फॉर्मेशन लूप शुरू की और इसी बुलंदी पर इसे बरकरार रखा। ये उड़ान एक इंतहाई कामयाब कारनामा था, जिसने पाक एयरफोर्स को दुनिया की दूसरी बड़ी एयरफोर्सेस के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इस मैगज़ीन ने 7 फरवरी 1958 को इस फॉर्मेशन के पायलट्स की ग्रुप फ़ोटो भी शाया की थी। इस ग्रुप फ़ोटो में पायलट्स बिल्कुल उसी तरह खड़े हैं जैसे उन्होंने त्यारों को डायमंड फॉर्मेशन में उड़ाया था, जिसमें सबसे आगे जफर मसूद और सबसे एंड पर मिडिल कोर्ट थे। और इस फॉर्मेशन में ऐसे पायलट भी शामिल हैं जिन्होंने आगे चलकर बड़े कारनामे किए, जैसा कि पायलट मुनीरुद्दीन अहमद, जिन्हें मुनीर के नाम से जाना जाता है, पायलट हमीद अनवर, मिडल कोट एम अरशद, सैयद सजाद हैदर, जमाल खान, आफताब अहमद। इन सब पायलट्स ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे किए हैं। इस फॉर्मेशन को लीड करने वाले जफर मसूद एयर कमोडोर बने और 1965
और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया और इन्हें हलाले जुर्रत और सितारे बसालत के अवार्ड से भी नवाजा गया और हीरो ऑफ 1965 वार का खिताब भी मिला। गाइस 16 त्यारों की फॉर्मेशन इससे पहले किसी एयरफोर्स ने यूज़ नहीं की थी, लेकिन फिर रॉयल एयरफोर्स ने फॉर्मेशन में 22 त्यारे तो उड़ाए, लेकिन ये डायमंड फॉर्मेशन में नहीं थे बल्कि सिंपल और सीधी साथ लाइनों में थे। जबकि डायमंड फॉर्मेशन का रिकॉर्ड आज तक पाकिस्तान के पास है, इसे कोई ना तोड़ सका। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे पहले किसको पाक फ़ज़ाइया के इस कारनामे के बारे में इल्म था। इस तरह की ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेशन से भरपूर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।